अन्ना के आंदोलन में शामिल होने के पीछे अरविंद केजरीवाल और उनके खास करीबियों की मंशा यही थी कि अन्ना के सहारे आंदोलन चलाकर उसे सियासी पार्टी में बदल दिया जाए और फिर सत्ता का वही खेल खेला जाए जो कांग्रेस खेलती है, और हुआ भी वही। अन्ना के आंदोलन का उफान ऐसा आया कि देश की तस्वीर बदलने लगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी तय रणनीति के तहत राजनीतिक पार्टी बना ली। अन्ना और उनके सारे कार्यकर्ताओं को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। जो बच गए उन्हें सत्ता मिलने के बाद एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पूरी पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी दुकान बना लिया। इसमें वही लोग साथ थे जो केजरीवाल के खास थे, लेकिन अब जब एक के बाद एक घोटाले के खुलासे हो रहे हैं तो नेता और मंत्री जेल जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल को फिर से उन पुराने लोगों की याद सताने लगी जिन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया गया था। अब आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में आंदोलनों में शामिल हुए लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उन्हें फिर से पार्टी में सक्रिय करने की कोशिश हो रही है ताकि भ्रष्टाचारों के बोझ से डूब रही आम आदमी पार्टी को कोई किनारा मिल जाए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जेल में हैं। सिसोदिया पर शराब घोटाला तो जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। हाल ही में शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की थी। ऐसे मुश्किल वक्त में पार्टी आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से पार्टी से जुड़ने की मुहिम चला रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है जो 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन के वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन बाद में पार्टी के नेताओं से उनका संपर्क कम हो गया। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी हमारी सरकार को परेशान कर रही है, ऐसे में एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि जो कार्यकर्ता पार्टी के संपर्क में नहीं है उनसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि वो अब पार्टी में सक्रिय क्यों नहीं है। पिछले दो महीनों में पार्टी के बड़े नेताओं ने नोटिस किया है कि विरोध प्रदर्शन और अन्य बड़े आयोजनों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो रही है। इसे देखते हुए ही पार्टी नेतृत्व ने योजना बनाई है। सूत्रों का ये कहना है कि इस योजना पर पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ चर्चा की गई है और इसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। हाल ही में सीएम केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की थी और इस दौरान पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन से खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। प्रदर्शन कर रहे 1300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और उनमें से अधिकांश पंजाब के थे। मतलब कि दिल्ली के लोगों ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल से किनारा ही कर लिया है। ये संकेत पार्टी के लिए बेहद अशुभ है। The report, News of India. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर ट्विटर की गाज गिर गई। अब इनके ट्विटर पॉलिटिक्स पर कुछ दिनों के लिए लगाम लगा दिया गया है। देर रात ट्विटर ने बड़ा एक्शन लेकर सभी को चौंका दिया। ट्विटर ने अनपेड अकाउंट से भारी संख्या में दिल्ली के प्रभावी लोगों और राजनेताओं के ब्लूटिक स्टेटस को हटा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह, आतिशी मार्लेना के नाम भी इसमें शामिल हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपनी घोषणा के मुताबिक वेरिफाइड अकाउंट से फ्री ब्लूटिक्स हटा दिए हैं। जिन लोगों ने ट्विटर ब्लू प्लान्स के लिए भुगतान नहीं किया उनके अकाउंट से ब्लूटिक हटा दिए गए हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री आतिशी, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, शराब घोटाला में पकड़े गए मनीष सिसोदिया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ की हवा खा रहे सत्येंद्र जैन, मंत्री सौरभ भारद्वाज, सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित कई हस्तियों के नाम इस सूची में शामिल हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल 2023 के बाद से उन अकाउंट से ब्लूटिक्स हटा दिए जाएंगे जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है। दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेर एलन मस्क ने इस बात पर जोर देकर कहा था कि यदि ब्लूटिक चाहिए तो इसके लिए मंथली चार्जेस देने होंगे। मंथली चार्ज नहीं लेने वालों का ब्लूटिक हटा दिया जाएगा। कि ट्विटर ब्लूटिक मार्क सालों से स्टेटस सिंबल रहा है। ब्लूटिक वाले लोगों को दिल्ली में अलग नजरिए से आम लोगों में देखा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जिन लोगों के पास ब्लूटिक है उनकी प्रामाणिकता का डाउट करने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने वर्षों से जारी ब्लूटिक के इस लिगेसी बिना मंथली पेमेंट के जारी रखने की परंपरा को अब समाप्त कर दिया है। द रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भ्रष्टाचार के जितने आरोप कांग्रेस पर हैं, वैसे ही आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगे हैं। कोशिश दोनों पार्टियों के एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ किलेबंदी करने की है।
लेकिन पहले कांग्रेस में केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा फूटा और अब आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर अलग अलग विचार आमने सामने आने लगे। असल में पीछे वही भ्रष्टाचार है, जिसके दाग पुराने हैं तो केजरीवाल की पार्टी के दाग नए और ताजे हैं। और हिचक दोनों तरफ है कि विपक्षी एकता के नाम पर दोनों पार्टियां एक साथ एक मंच पर आएं या नहीं। पार्टी के नेता गोपाल राय विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए बेचैन हैं, तो संदीप पाठक अकेले चुनाव में जाना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर मोदी के खिलाफ संभावित महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, इसको लेकर कंफ्यूजन कायम है। हाल ही में जहां नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए थे, तो अब दो दिन में दो बड़े नेताओं के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ही केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि अगले चुनाव में विपक्षी एकता बेहद जरूरी है। अब संदीप पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के विस्तार योजनाओं को अंजाम देने में जुटे संदीप पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष के साथ है, लेकिन चुनाव में अकेले ही उतरने की योजना है। पाठक ने गोवा में कहा कि उनकी पार्टी राज्य की दोनों सीटों समेत अगला आम चुनाव अकेले लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के लिए बतौर उम्मीदवार पेश किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि देश को तय करने दीजिए कि प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए। हम ऐसी बातों से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा में विश्वास नहीं करते हैं। पाठक ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर आप समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि लेकिन चुनाव अलग बात है। गोपाल राय ने एक दिन पहले ही चुनाव से पहले महागठबंधन को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष अब एकजुट नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। राय ने कहा जो दल अब भी भाजपा के खिलाफ संभावित संयुक्त मोर्चे के नेता बनने नेतृत्व करने के बारे में सोच रहे हैं, वे स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हैं। राय ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वाम दल वर्तमान स्थिति को देखते हुए छोटे दल हैं। 2024 के चुनाव की तुलना पारंपरिक चुनाव से नहीं की जा सकती। ये पूरी तरह से अलग स्थिति है। ये समान विचारधारा वाले दलों को चुनाव पूर्व गठबंधन देश के लिए जरूरी बन गया है। मुझे लगता है कि अगर हमने एक साथ आकर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो इससे आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। संदीप पाठक और गोपाल राय के विरोधाभासी बयान सामने आने के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या केजरीवाल की पार्टी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। संदीप पाठक ने गठबंधन से ऐसे समय पर इनकार किया जब कांग्रेस समान विचारधारा वाले कई दलों को भाजपा के खिलाफ एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी फोन किया था और 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया था। News of India. शरद पवार ने जब अडानी मामले पर कांग्रेस की जीत की मांग को खारिज किया था तब कांग्रेस तिलमिला गई थी। एक कदम आगे बढ़कर गौतम अडानी से मुलाकात कर ली। अडानी और पीएम मोदी की दोस्ती का नैरेटिव सेट करने में जुटी कांग्रेस के लिए ये खबर किसी बड़े झटके की तरह है। गौतम अडानी और शरद पवार की मुलाकात उनके आवास सिल्वर ओक में हुई है। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुद्दे पर शरद पवार ने अडानी का समर्थन किया था। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने पिछले दिनों गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आई है। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था। उन्होंने दावा किया था कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया। रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया था। इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच सेबी जारी रखेगी, दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। बजट सत्र में भी अडानी के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ था। सदन में 19 विपक्षी पार्टियों ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल गांधी भी लगातार सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए, लेकिन शरद पवार ने इस मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया। शरद पवार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस शख्स ने पहले भी ऐसे कई बयान दिए थे और तब भी सदन में कुछ दिन हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा तवज्जो इस मुद्दे को दे दी गई है। वैसे भी जो रिपोर्ट आई उसमें दिए गए बयान किसने दिए, इसका क्या बैकग्राउंड है? जब वो लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश में बवाल खड़ा हो, इसका असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता ही है।
लगता है ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया था। शरद पवार ने अडानी मसले पर जेपीसी की मांग को झटका देते हुए ये कहा था कि ये निष्पक्ष नहीं होगा क्योंकि 21 में से 15 सदस्य सत्ता पक्ष के होंगे। शरद पवार के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि एनसीपी का अपना कोई स्टैंड हो सकता है, लेकिन 19 विपक्षी पार्टियां ये मानती हैं कि अडानी का मुद्दा गंभीर है। मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि एनसीपी के और दूसरे विपक्षी दल हमारे साथ ही खड़े हैं, साथ ही मिलकर लोकतंत्र को बचाना है और बीजेपी की बंटवारे वाली राजनीति को हराना है। The report, News of India. शराब घोटाले के आरोपी नंबर वन और पूरे मामले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। तर्क ये कि जब सबको जमानत मिल गई तो मुझे क्यों नहीं। याचिका में मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई चाहती है कि मैं उनके मन मुताबिक चलूं, वो जैसा कहते हैं वैसा ही बयान देकर गुनहगार बन जाऊं, लेकिन मैं उनके हिसाब से तो नहीं चलने वाला। उनके सवालों का जवाब अपनी मर्जी से दूंगा। मुझे संविधान से इस बात की गारंटी मिली हुई है मैं अपने हिसाब से एजेंसी के सवालों का जवाब दूं। उनकी ये दलील थी कि एजेंसी की ये बात जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है, वो उनके साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी कहती है कि मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूं। सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें बेल देने से इनकार किया गया था। सिसोदिया का कहना है कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो केवल कागजों में हैं। सीबीआई को अभी तक ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि करोड़ों की रकम उनके पास है या फिर आने वाली थी। उनकी दलील थी कि सीबीआई के केस में उनके सिवाय सारे आरोपी जमानत पर छूट चुके हैं, मतलब ये मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल की तरह हैं। सीबीआई से कहना चाह रहे हैं कि पहले 100 करोड़ लाओ फिर मैं जवाब दूं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट में सिसोदिया की तरफ से एडवोकेट दया कृष्णन और मोहित माथुर ने पैरवी की। सीबीआई का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू बुधवार को अदालत के सामने रखेंगे। जस्टिस शर्मा ने आज एएसजी से पूछा, वो बताएं कि आबकारी नीति कैसे काम करती है। उनका कहना था कि सीबीआई अपनी जांच अधिकारी को भी बुलाए, वो भी इस बात को अदालत में विस्तार से बताएंगे। सिसोदिया की तरफ से पैरवी कर रहे मोहित माथुर ने कहा कि सीबीआई उनके क्लाइंट को शराब घोटाले का सबसे बड़ा किरदार बता रही है। माथुर ने कोर्ट से कहा, विजय नायर का लिंक उनसे जोड़कर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विजय नायर को सितंबर 2022 में अरेस्ट कर लिया गया था। नवंबर में उनको बेल पर रिहा भी कर दिया गया। मुझे दो बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आखिरी दफा वो फरवरी 2023 में सीबीआई के पास गए थे। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अपने केस में 9 मार्च को उन्हें अपनी हिरासत में लिया था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट में सिसोदिया ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ये कहकर उनको बेल देने से मना कर दिया था कि वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। रिश्वत के 90 से 100 करोड़ रुपए उनके पास ही जाने थे। कोर्ट का यहाँ तक कहना था कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति में बदलाव किया गया, जब फंसने का डर लगा तो पहले वाली नीति को फिर से बहाल कर दिया गया। The report, News of India. सूरत कोर्ट ने न सिर्फ आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक की अपील खारिज कर दी, बल्कि उन्हें सबक भी सिखाया। ऐसा सबक जो राहुल गांधी सियासत में इतने सालों से सक्रिय रहने के बावजूद न तो सीख पाए और न ही उन्हें किसी ने सिखाया। याचिका खारिज करते हुए सूरत कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर में कहा कि सांसद और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपने शब्दों में ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, जिसका लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया था तब वे कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ साथ सांसद भी थे। जज आरपी मोगेरा ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के मुंह से निकलने वाला कोई भी आपत्तिजनक अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है, और इस मामले में मोदी उपनाम वाले व्यक्ति की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। अगर राहुल गांधी को राहत मिलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। हालांकि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की मुख्य याचिका पर सेशंस कोर्ट अगली तारीख पर सुनवाई जारी रखेगा। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा
भरोसा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सूरत के सत्र कोर्ट द्वारा की गई गलती को सही करेगा। उन्होंने कहा कि जजमेंट के दूसरे पार्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई, लेकिन वो तो इसमें पक्ष हैं ही नहीं। पीएम मोदी ने कभी इसको लेकर शिकायत भी नहीं की। सिंघवी ने कहा कि मैं अखिल भारतीय स्तर का नेता हूं, तो आप 2 साल की सजा देंगे या फिर चर्चा करेंगे? ये गलत है कि नहीं? मैं आपको गाली दूं तो आप शिकायत करेंगे ना? राहुल गांधी ने जो 3 नाम लिए उनमें से तो किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे सामने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। पार्टी के नेता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार को हमेशा से ऐसा लगता है कि उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। राहुल को इस बात का घमंड था कि वह गांधी परिवार के बेटे हैं, लेकिन सूरत की कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि कोर्ट सभी के लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि राहुल के पास अभी भी मौका है और उन्हें ओबीसी समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। उन्हें कोर्ट से माफी मांगने में शर्म क्यों आ रही है? वह ऐसे क्यों कहते हैं कि उनकी डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है? वह तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं। संबित पात्रा ने आगे कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में, खासकर पिछड़े वर्ग में खुशी का माहौल है। राहुल गांधी बच कर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी अब आने वाले समय के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये गांधी परिवार की हेकड़ी पर जोरदार तमाचा है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था तो गांधी परिवार और उनके आगे पीछे घूमने वाले लोगों ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे कोर्ट के फैसले में कोई गलती थी। ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी जैसे ट्रायल कोर्ट का पूरा सिस्टम एक तरफा था। राहुल को फंसाने की कोशिश हो रही थी। पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल को लग रहा था क्या हो गया अगर उन्होंने पिछड़े वर्ग को गाली दे दी, तो क्या हो गया अगर उन्होंने मोदी समुदाय को चोर कह दिया। तो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।